क्लास थ्री लेसन थ्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आज हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अलग अलग टाइप्स के प्लांट कौन कौन से होते हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर, अब हम आंसर देंगे कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, निम्न तरह से दिए हुए हैं। एक तरफ हम टाइप लिख देंगे, एक तरफ एग्जांपल लिख देंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या है, ट्री, और इसका एग्जांपल हो जाएगा मैंगो ट्री। ठीक है, दूसरा है शर्ब, सर्ब का एग्जांपल हो जाएगा रोज़। तीसरा है हर्ब, हर्ब का एग्जांपल हो जाएगा मिंट। चौथा है क्लाइंबर, क्लाइंबर का एग्जांपल हो जाएगा मनी प्लांट। ठीक है, पांचवा है क्रीपर, और क्रीपर का एग्जांपल हो जाएगा पम्पकिन। ठीक है, और अब आइए क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ रूट, रूट क्या होती है, जड़ क्या होता है। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। प्लांट का वह पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है उसे रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि कोई प्लांट है और ये प्लांट जो है उसका ज़मीन के नीचे है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे है, तो इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही रूट कहेंगे। ठीक है, आप जानते भी होंगे रूट मतलब होता है जड़, और जड़ ज़मीन के नीचे होता है। सेकेंड हो गया। अब हम थ्री वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या दिया हुआ है, गिव थ्री फंक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब हो गया तना, हमें तना का तीन कार्य बताना है। तो सबसे पहला कार्य क्या दिया हुआ है, इट होल्ड प्लांट अपराइट एंड स्टेट, यानी इसकी वजह से जो प्लांट होता है वह सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, एकदम सीधा रहता है इसकी वजह से प्लांट। सेकेंड क्या दिया है, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट एंड फूड फ्रॉम द लिप्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका काम क्या होता है कि ये जड़ से लेता है पानी, ठीक है, और पत्तियों से लेता है खाना, यानी जो स्टीम होता है, तना होता है, वह जड़ से पानी ले लेगा और पत्तियों से भोजन ले लेगा, और इसको प्लांट के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाने का कार्य करता है। थर्ड देखिए, सम प्लांट स्टोर फूड इन द स्टीम, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फूड को अपने स्टीम में स्टोर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुगर केन, जैसे गन्ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, क्यों पत्तियों को प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बिकॉज इट प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट, क्योंकि यह पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है, किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे खाना बनेगा वो क्या हो गया, फूड फैक्ट्री या फिर किचन हुआ, तो इसीलिए क्योंकि वो पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाता है इसलिए उसे फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं पेटल्स और सेपल, पेटल्स वो पंखुड़ी वाला पार्ट और सेपल्स वो ग्रीन पार्ट जो इसको प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है, पेटल्स को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, गिव फंक्शन ऑफ फ्रूट, हमें फ्रूट का फंक्शन बताना है, फ्रूट का कार्य बताना है। द फंक्शन ऑफ फ्रूट आर एज, इस तरह से है, सबसे पहला ए फ्रूट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट सीड, इसका सबसे मेन काम यह होता है कि यह बीज की रक्षा करता है, बीज की सुरक्षा करता है। ठीक, और सेकेंड देखिए, फ्रूट और मोस्ट प्लांट आर इडिबल एंड आर ईटन बाई अस, ज़्यादातर प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वो खाने वाले होते हैं, ठीक है, खाने योग्य होते हैं और हमारे द्वारा खाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, मैंगो। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई बीज एक छोटे पौधे में नए पौधे में कन्वर्ट हो जाए वही प्रोसेस जर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी बीज को मिट्टी में लगाते हैं और उसमें से पौधा आने लगता है तो वही जर्मिनेशन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया हुआ है, डिफाइन इडिबल सीड, इडिबल सीड क्या होते हैं, खाने वाले बीज क्या होते हैं। द सीड ऑफ प्लांट लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड ग्रेन आर ईटन बाय अस, ठीक है, कुछ प्लांट के सीड जैसे वीट, गेहूं, राइस, चावल, कॉर्न, मक्का और ग्रेन, अनाज, ठीक है, यहाँ ग्रेन ने ग्राम कर लीजिएगा, ठीक, एंड ग्राम आर ईटन बाई अस, ठीक है, तो ये कुछ अनाज जैसे, ठीक है, कुछ अनाज हो गया जैसे वीट, राइस, कॉर्न, ठीक, ये हमारे द्वारा खाए जाते हैं। ठीक, हम गेहूँ, चावल, चना, मक्का, ये सभी चीज़ खाते हैं ना, तो ये सभी के हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, तो ये सभी क्या हैं, इडिबल सीड हैं। ठीक, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इडिबल सीड कहेंगे। तो इस तरीके से आपके इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप आपको इसका क्वेश्चन आंसर, ये लेसन सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।